हे व्हाट्स अप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पोको M2 डिवाइस के बारे में और इसके MIUI 13 और Android 12 अपडेट के बारे में। वैसे ये अपडेट है ना, वो यहाँ पर काफी यूजर हैं उनको देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे यूजर हैं पोको M2 डिवाइस के जिनके लिए अभी तक भी MIUI 13 और Android 12 का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया है। क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और आप लोगों के लिए जो इंडिया में अपडेट है वो यहाँ पर कब तक आने वाला है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट देखते रहिए। वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक कर लेना है। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का, और चैनल को भी आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जैसे इंडिया में अपडेट है ना वो रिलीज होगा आप लोगों को वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा इस टेस्ट को जो अपडेट है ना वो यहाँ पर रिलीज किया गया था, मतलब कि 2 अगस्त को यहाँ पर अपडेट है ना वो रिलीज किया गया था पोको M2 डिवाइस के लिए, एक नॉर्मल सिक्योरिटी पेस लेवल अपडेट जिसका वर्जन नंबर आपको 12.5.7.0 का यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये अपडेट सुबह के टाइम पे यहाँ पर रिलीज हुआ था, और वहाँ पर आपको 6 घंटे के बाद में जो अपडेट है ना, 6-7 घंटे के बाद में अपडेट है वो सेम डिवाइस के लिए पोको M2 डिवाइस के लिए शाम के 6 बजे के आसपास आप लोगों को 13.0.2.0 का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर फाइनली Xiaomi की तरफ से और पोको की तरफ से यहाँ पर रिलीज करा दिया गया था, जिसका वर्जन नंबर है ना वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और 2.6 GB की आप लोगों को यहाँ पर अपडेट की टोटल साइज है ना वो यहाँ पर देखने को मिलती है। जिन लोगों ने यहाँ पर सुबह के टाइम पे इस अपडेट को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था 12.5.7.0 का, इसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर जो सेम सिक्योरिटी पेस का अपडेट है ना वो यहाँ पर मिलता है, और जो 13.0.2.0 का अपडेट है इसके अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर सेम ही सिक्योरिटी पेस का जो अपडेट है ना वो देखने को मिलता है। ज्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं है, बाकी कुछ फीचर के डिफरेंस है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन ये जो 12.5.7.0 का जो अपडेट है ना इसके अंदर आपको MIUI 13 का अपडेट है ना वो यहाँ पर नहीं मिलता है। और जिन लोगों ने इस अपडेट को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था उनके डिवाइस के अंदर अभी तक भी MIUI 13 का अपडेट है ना वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा। आज आप लोगों को यहाँ पर जो डेट है ना वो मिलती है 25 अगस्त, तो आप लोगों को सितंबर के मंथ का वेट करना है। सितंबर के मिड के आसपास ये जो अपडेट है ना वहाँ पर सभी यूजर है उनके लिए यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे बीच में न्यूज भी आई थी कि पोको M2 जो डिवाइस है ना इसके लिए MIUI 13 और Android 12 का जो अपडेट है ना वो यहाँ पर पब्लिकली रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक भी अपडेट नहीं आया है। अब इसका रीजन है ना वो तो यहाँ पर पोको को ही पता है। बाकी गाइज आप लोगों को सितंबर का मंथ है उसका यहाँ पर वेट कर लेना है। और अगर आप लोगों ने 12.5.7.0 का अपडेट है इसको भी इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको नॉर्मली यहाँ पर वेट कर लेना है, काफी जल्दी आपके डिवाइस के अंदर अपडेट है ना वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपके डिवाइस के अंदर 12.5.6.0 का अपडेट है ना वो यहाँ पर रन कर रहा है। तो गाइज आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे पर प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको हर एक लेटेस्ट न्यूज है ना वो यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलती रहती है। तो गाइस मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।